तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे और सब ठीक ठाक होगा। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत है। तो फाइनली आपके सामने एक जेनेसिस की Z80 लाया हूँ, जो कि 2023 का मॉडल है। देख पा रहे हैं गाड़ी चालू है, ज़रा मैं एक्सेलेटर दे के दिखाता हूँ। इसमें रेस का ये तो आपको दिखाएगा नहीं, लेकिन बट गाड़ी चालू है और एसी में चालू रखा हूँ। इसका कंट्रोल पैनल फुल्ली डिजिटल है, टच वाला है, टच करना रहेगा सिर्फ बस आपको। तो यहाँ से एसी चालू है और कूलिंग लो पे रखा हूँ, आउटसाइड एयर चालू है, बराबर यहाँ से सब कुछ सिस्टम सही है। इसका प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि कस्टमर का जो कंप्लेंट है ना, वो बोल रहा है सम टाइम कूलिंग कर रहा है और सम टाइम कूलिंग नहीं कर रहा है। तो चलो सबसे पहले मैं अभी जो ये पोजीशन में कूलिंग नहीं हो रही है तो फॉल्ट पकड़ में आ चुका है। कई जगह गाड़ी जा चुकी है और कई जगह से गाड़ी रिटर्न होके आई है, बट प्रॉब्लम इनका सॉल्व हुआ नहीं है। क्योंकि गाड़ी महंगी है, न्यू मॉडल गाड़ी है, और इस वजह से कोई जल्दी इसका जो रिपोर्ट है, बोले तो क्या प्रॉब्लम है, वो बताया नहीं गया है। क्योंकि जब तक फॉल्ट समझ में नहीं आता है तो आदमी को बोलने में कि भाई ये पार्ट गया है, तो फिर बाकी क्या, पार्ट तो गया है लेकिन वो चीज़ डालने के बाद फिर इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आ जाता है कि पार्ट डालने के बाद सही हो जाना चाहिए। तो चलो मैं आज आपको दिखाता हूँ कि क्या फॉल्ट है इसका, बाहर चलते हैं। गाड़ी चालू पोजीशन में है, देख पा रहे हैं इसका कंप्रेसर बस इधर ही है। गाड़ी का इंजन देख लीजिए, और अभी देख पा रहे हैं कंप्रेसर बंद है, यानी कंप्रेसर प्रेशर ले ही नहीं रहा है। तो ज़रा मैं एक बार कंफर्म कर रहा हूँ, एसी का बटन अपने से तो ऑफ नहीं हो गया। तो सॉरी, यहाँ से एसी का बटन ऑफ है, ऑन हो चुका अभी। तो कंप्रेसर चालू है, सप्लाई वगैरह बराबर आ रहा है, लेकिन बट देख पा रहे हैं 70 का प्रेशर दिखा रहे हैं। सक्शन प्रेशर जो कि 30 पे आना चाहिए इसका, और दिखा रहा है 70, 70 से ऊपर जा रहा है अभी। देख पा रहे हैं कंप्रेसर ऑन है, यानी प्रेशर कम बना रहा है, इस वजह से इसका कूलिंग कम हो रही है। यानी कभी कभी पकड़ लेता है कंप्रेसर, आ जाता हूँगा 30 पे तो कूलिंग ले लेता हूँगा उस टाइम। तो इसी वजह से मैं इसका कंप्रेसर चेंज करने वाला हूँ। तो चलो फिर अपने काम में लग जाते हैं। तो फाइनली ये प्रेशर छोड़ देता हूँ गैस, क्योंकि तो अपने को कंप्रेसर खोलना है। तो कंप्रेसर खोलने के लिए सबसे पहले ये वाला पाइप खोलना पड़ेगा मेरे को, ये पाइप, फिर इसके बाद नीचे वाला पाइप खोलना पड़ेगा, तब जाकर के कंप्रेसर निकलेगा इसका। और ये तो वायर दिया है, वायरिंग गया है इसमें से, ये सेंसर निकालना पड़ेगा। तो चलो ये चीज़ें मैं रिमूव करता हूँ, ये चीज़ें रिमूव करता हूँ। ये कूलेंट का पाइप है, इसको निकालना पड़ेगा मेरे को। तो चलो अपन निकालते हैं इसको। तो फाइनली ये वाला पाइप निकाल चुका हूँ, ये कूलेंट का पाइप है, एक जॉइंट यहाँ पे था और एक ये वाला पाइप में था, निकाल दिया हूँ। अब ये वाला पाइप खोलना पड़ेगा मेरे को, ये लॉक देख पा रहे हैं यहाँ पर लॉक है। तो चलो इसको निकालता हूँ, और दूसरा लॉक यहाँ पे है, तो ये खोल के ये दोनों पाइप निकालता हूँ। ये सेंसर वायर निकालना पड़ेगा, एक ये वाली, दोनों निकाल दिया हूँ। अब ये वाला लॉक खोलता हूँ पाइप का। तो फाइनली ये दोनों लॉक खोल चुका हूँ पाइप का, तो अब ये पाइप बाहर निकाल देता हूँ। थोड़ा बाहर निकालना है, कुछ तो लकड़ा है इधर, एक सॉकेट है नीचे,
तो फाइनली अब ये निकल जाएगा। तो इसको इससे इधर होल्ड कर देता हूँ। अब देख रहे हैं कंप्रेसर की सॉकेट ये रहा। अब मसला जो है ये वाली वाल में, तो कंप्रेसर में बाहर निकलता हूँ, एक बोल्ट दो बोल्ट, दो बोल्ट नीचे। पहले पाइपलाइन खोल लेता हूँ, तो चलो खोल के पाइपलाइन बाहर निकालता हूँ। वो तो फाइनली दोनों पाइपलाइन खोल दिया हूँ। ये दोनों निकल चुका, इसको इधर ही होल्ड कर देता हूँ नीचे। तो फाइनली ये जो बेल्ट निकालने के लिए ना मेरे को ये फिल्टर बॉक्स खोलना पड़ेगा। तो फिल्टर बॉक्स खोलने के लिए 10 नंबर यहाँ दिया हुआ है एक, उसके बाद 10 नंबर इधर पाइप का, और उसके बाद ये वाली लॉक निकालना पड़ेगा। ये लॉक निकल चुका अपना, उसके बाद यहाँ से भी निकल चुका है, तो इसको बाहर निकालता हूँ मैं। तो फाइनली फिल्टर बॉक्स नीचे ले लिया हूँ, ऊपर ले लिया हूँ, और ये भी बोल्ट खोलना पड़ेगा अपने को, ये भी खोलना पड़ेगा तब जा करके ये देख पा रहे हैं टेस्टनर का बोल्ट यहाँ पे दिया है, ये रही। तो चलो ये सब बोल्ट खोल के ये ब्रैकेट बाहर निकालता हूँ मैं। तो फाइनली ये ब्रैकेट भी अब खोल दिया हूँ, ये निकल चुका। अब देख पा रहे हैं ये वाली है टेस्टनर बोल्ट। तो चलो इसको लूज़ करके मैं बेल्ट निकालता हूँ। इसमें डबल बेल्ट है, एक पावर स्टेयरिंग को, सॉरी वाटर पंप को, और इसको लेके घुमाता है अलग अलग। तो चलो बेल्ट रिमूव करता हूँ मैं। तो फाइनली बेल्ट अपना निकल चुका। अब अपने को 12 नंबर 3 बोल्ट दिया है कंप्रेसर में, तीनों बोल्ट खोलता हूँ मैं, तीनों बोल्ट खोल के कंप्रेसर बाहर निकालता हूँ। तो फाइनली तीनों बोल्ट खोल चुका हूँ, अब कंप्रेसर अपना बाहर निकल जाएगा। तो मैं ज़रा हैंड ग्लोव्स लगा लिया क्योंकि कंप्रेसर हीट है, यहाँ का टेम्परेचर इतना है कि कंप्रेसर पकड़ नहीं सकते अब। तो चलो इसको बाहर निकालता हूँ मैं, ज़रा कंफर्टेबल पकड़ने को मिल नहीं रहा है। एक अर्थिंग बॉडी ग्राउंड दिया है इसमें, ये खोला नहीं हूँ मैं 10 नंबर 12 नंबर का ये भी। तो चलो इसको भी खोल देता हूँ। तो फाइनली अब खुल चुका है, तो चलो इसको अब बाहर लेता हूँ। ये रही कंप्रेसर। तो इसका जो प्रॉब्लम है ना, ये वाल में प्रॉब्लम है आपकी गाड़ी में, अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है, सम टाइम कूलिंग हो रहा है सम टाइम नहीं हो रहा है, तो आप ये वाल चेंज कर देंगे, कंप्रेसर सही हो जाएगा, सही कूलिंग करने लगेगा। लेकिन बट यहाँ पे ये कंपनी की कार है, तो इस वजह से मैं इसका वाल चेंज नहीं करूँगा, पूरा कंप्रेसर सेटअप करूँ चेंज करूँगा। तो चलो मैं आपको दूसरी गाड़ी में लेके चलता हूँ। तो फाइनली ये गाड़ी का कंप्रेसर लगाने वाले हैं इसमें, ये रही इसका एयरबैग निकल चुका है, साइड एयरबैग। तो इस वजह से ये गाड़ी का कंप्रेसर उसमें डालने जा रहा हूँ। तो चलो बाकी फ़िटिंग वगैरह खोला कैसे हूँ तो मालूम है, बाकी अब वो गाड़ी में फ़िटिंग करके ही दिखाऊंगा मैं आपको। तो चलो फिर चलते हैं अपन, सिर्फ गाड़ी दिखा दिया आपको, पीछे से भी दिखा देता हूँ। ये रही, तो फाइनली ये दूसरा कंप्रेसर फिटिंग कर रहा हूँ इसमें। ज़्यादातर के ये वाल का फॉल्ट आता है, उसका भी यही वाल का फॉल्ट था। तो दूसरी गाड़ी का कंप्रेसर खोल के इसमें फिटिंग कर रहा हूँ, मैंने आपको दिखाया अभी था। तो चलो इसको फाइनल फिटिंग करता हूँ अब, इधर फिटिंग कर देते हैं इसको अपन। तो फाइनली अपना कंप्रेसर फिट हो गया, पाइपलाइन वगैरह सब फिट हो चुका है, लो वाला एडप्टर लगा चुका हूँ, इसमें प्रेशर मार के चेक कर लेते हैं। इसको बंद कर देता हूँ, इसको बंद कर दिया, इसको चालू कर दिया, प्रेशर बढ़ रहा है, 300 का प्रेशर मार के चेक करेंगे, कहीं लीकेज वगैरह तो नहीं है, कन्फर्मेशन के लिए एक बार बस।
300 होने पे है, 300 हो चुका है। तो थोड़ी देर रखते हैं होल्ड इसको, उसके बाद फिर ये सब फिटिंग वटिंग कर देता हूँ। बेल्ट वगैरह लगाना बाकी है, बेल्ट वगैरह लगा देता हूँ। तो फाइनली इधर बेल्ट वगैरह सब फिटिंग हो गया, फिल्टर बॉक्स भी बैठा दिया हूँ, पाइपलाइन वगैरह सब बैठ चुका, प्रेशर अपना अब तक के होल्ड है, प्रेशर छोड़ देता हूँ। तो वैक्यूम में लगा लेता हूँ, लाइन यहां से चेंज कर देता हूं। कंप्रेसर ऑन कर दिया, वैक्यूम हो रहा है, तो चलो 10 मिनट वैक्यूम होने देते हैं। अब अपना वैक्यूम कंप्लीट हो चुका है, तो यहां से बंद कर देते हैं पहले, फिर यहां से कंप्रेसर बंद कर देते हैं, ये लाइन खोल देते हैं। इसको सिलेंडर में लगा देता हूँ, ये सिलेंडर में लग चुकी है अपना, तो चलो अंदर से गाड़ी चालू कर देते हैं पहले। तो फाइनली गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ, और इससे पहले वो वाली गाड़ी का जिसका कंप्रेसर खोला हूँ, तो वो सनलाइट के अपोजिट साइड था, इसकी वजह से दिख नहीं रहा था। तो चलो गाड़ी चालू करता हूँ। गाड़ी चालू हो चुकी है, वाइपर में पानी कम है इसकी वजह से ऐसा दिखा रहा है, तो ज़रा मैं फ्लास ऑफ कर देता हूँ। तो अब देख लीजिए पूरा, इसका बटन एक के यहाँ पे दिया है, यहाँ से आपको देख पा रहे हैं, यहाँ से पूरा फंक्शन दिया है। तो चलो मैं ब्लोड ऑन करता हूँ, ये हीटिंग का है और ब्लोअर का ये वाला दिया है। अब हवे का डायरेक्शन है ये पूरा डिजिटल सिस्टम है ये। तो चलो मैं इसको एसी ऑन कर दिया हूँ, यहाँ से लोड रखा हूँ। इसके बाद चलो अब बाहर चलते हैं, फ्री ऑन डालते हैं अपन। यहाँ से एसी वगैरह सब चालू रखा हूँ मैं। यहाँ से गैस खुला हुआ है, गैस डाल रहे हैं अभी अपन। कंप्रेसर चालू हुआ क्या नहीं अभी मालूम नहीं पड़ रहा है, अभी चालू हुआ जाके कंप्रेसर, तो देख पा रहे इसका कंप्रेसर चालू होने के बाद डायरेक्ट जो काटा है पूरा जीरो पे आ गया, यानी कंप्रेसर पंपिंग अच्छा बना रहा है। तो इसमें मैं फुल चार्ज गैस करता हूँ, ये पंखा स्लो मोशन में घूम रहा है, 20 पे प्रेशर है, टैंकी स्पीड बढ़ गया अभी, तो फुल गैस चार्ज में करता हूँ इसमें। तो फाइनली इसमें गैस फुल चार्ज हो गया, तो देख पा रहे हैं अभी 40 पे जा रहा है, फैन स्लो हो गया, अभी वापस से 30 में आएगा। का कैसा, अगर आप ब्लोअर की स्पीड ज़्यादा करेंगे यानी फास्ट करेंगे तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि रिटर्न लाइन से इसको कंप्रेसर को कूलिंग मिलता नहीं है, ठंडा होता नहीं है,
तो कंप्रेसर सक्शन प्रेशर छोड़ देता है। आप देख पा रहे हैं अभी फिर से ड्रॉप हो रहे हैं। देख पा रहे हैं 30 पे आ रहे हैं, यानी कंप्रेसर बराबर काम कर रहा है, इसका परफेक्ट चल रहा है, रिटर्न लाइन वगैरह सब सही चल रहा है, लिक्विड वाला लाइन भी बराबर चल रहा है, फैन वगैरह स्मूथ चल रहा है, कंप्रेसर भी सही चल रहा है। 30 से ड्रॉप हो गया, अभी कंप्रेसर परफेक्ट काम कर रहे हैं। तो चलो कूलिंग टेम्परेचर वगैरह चेक कर लेते हैं, अंदर कूलिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है वो दिखा देता हूँ आपको। थर्मामीटर लगा दे रहा हूँ मैं, तो देख पा रहे जगह पे ड्रॉप हो रहा है। देखते हैं जेनेसिस का कूलिंग टेम्परेचर कितना है। गाड़ी तो बहुत, यहाँ पे ये गाड़ी की रेट लगभग 2 लाख है, 2 लाख रियाल है, बहुत महंगी कार है ये। तो देख लीजिए 7.2 पे आ चुका। इसका कंप्रेसर जो है ना, कंप्रेसर का मसला नहीं था इसका, सिर्फ वो वाल का मसला था। यहाँ से आप हवा भी चेंज कर सकते हैं डायरेक्ट, कंट्रोल पैनल का सिस्टम बिल्कुल टचिंग सिस्टम है। देख पा रहे हैं 5 पे आ चुका है, 4.8 पे आ चुका, 4.6, 4.4, 4.8, यानी यहाँ पे कंप्रेसर ट्रिप मारा है, 4 तक कूलिंग टेम्परेचर आया है, यानी कूलिंग बराबर हो रहा है। तो गाइज एक चीज यहाँ पे, आप अगर ब्लोअर की स्पीड फास्ट रखेंगे ना, और कंप्रेसर के रिटर्न लाइन में जो अपन मीटर लगाते हैं जिससे गैस फिल करते हैं, यहाँ पे फास्ट रखेंगे तो वहाँ पे प्रेशर सक्शन जो प्रेशर है ना, कंप्रेसर चालू है जिस टाइम, उस टाइम की बात कर रहा हूँ, अगर उस टाइम आप अगर प्रेशर चेक करेंगे सक्शन प्रेशर कितना दिखा रहा है, तो अगर पहले आप 1 पे रख के ब्लोअर की स्पीड 1 या 2 पे रख के चेक कर रहे थे तो रिटर्न लाइन के जरिए कंप्रेसर ठंडा हो रहा था, और जब कंप्रेसर ठंडा होता है ना तो उस टाइम कंप्रेसर जो है ना हाई प्रेशर बनाता नहीं है, उस टाइम गैस को लेता है, गैस को लेकर के फटाक कन के गैस को कंडेंसर में भेज देता है और वहाँ लिक्विड फॉर्म में फटाक कन के चेंज हो जाता है, तो उस टाइम कंप्रेसर हीट नहीं होता है। जब कंप्रेसर हीट होने लगेगा ना तो उस टाइम हाई प्रेशर बनाने की कैपेसिटी ज़्यादा रहती है, तो यही रीज़न है कि कंप्रेसर नॉर्मल चलना चाहिए आपका। तो जब कंप्रेसर यहाँ से इवापोरेटर कॉइल से गैस रिटर्न जाता है, रिटर्न लाइन के जरिए कंप्रेसर को ठंडा करता है, तो उस टाइम कंप्रेसर की जो कैपेसिटी है ना प्रेशर बनाने की बढ़ जाती है, बस यही है और कुछ नहीं। तो इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा। तो मेरा काम ये गाड़ी में प्रॉपर हो गया, तो चलो फिर इस वीडियो में यहीं तक, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन।